एफआईएच जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। भारत की महिला हॉकी टीम के सामने आज कनाडा की महिला हॉकी टीम होगी इस जूनियर वर्ल्ड कप में। क्या उम्मीदें हैं भारतीय दल से, आज इसकी बातचीत करूंगा और साथ ही बताऊंगा कि भारत किस ग्रुप में है, किससे किससे उसका मुकाबला है। तो उन सारी चीजों की बातें होंगी, प्रमुख खिलाड़ियों की भी बातें होंगी। बस बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज 22 को। मैं हूं राकेश रंजन। आज से जो एफआईएच विमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप है उसका आगाज हो रहा है और चिली सेंटियागो में मुकाबले खेले जाएंगे और इसके लिए भारत की जो महिला हॉकी टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। कप्तान आपको प्रीति हैं और वो एक डिफेंडर भी हैं, उन्होंने इस बात की जो है उम्मीद जताई है और अपनी टीम पर जो है विश्वास भी जताया है कि बहुत ही टैलेंटेड पूल है हमारा और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस विश्व कप में बेहतर करेंगे। देखिए, और एक और खास बात है कि ये जो टीम है इसमें आपको झारखंड की 3 खिलाड़ी देखने को मिलेंगी, जो सलीमा टेटे हैं उनकी बहन महिमा टेटे जो हैं वो आपको मिडफील्ड में दिखेंगी और इसके अलावा रोपिनी कुमारी डिफेंडर के तौर पर जो है भारतीय टीम में शामिल की गई हैं और दीपिका सोरेंग जो है वो आपको फॉरवर्ड में खेलते हुए दिखेंगी। तो ये 3 खिलाड़ी झारखंड की भी हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। जिस तरह से अभी झारखंड की जो खिलाड़ी हैं वो जो विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची में हुआ था और वहां पर जो उनका प्रदर्शन रहा था, जो झारखंड की खिलाड़ी हैं, ये तीनों तो नहीं थी लेकिन वहां पर सलीमा टेटे थी और क्या कहते हैं निक्की प्रधान थी और संगीता कुमारी थी, इनका प्रदर्शन लाजवाब रहा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड की जो ये 3 खिलाड़ी हैं, महिमा टेटे, रोपिनी कुमारी और दीपिका सोरेंग, ये जूनियर वर्ल्ड कप जो कि होने जा रहा है चिली सेंटियागो में, वहां पर बेहतर प्रदर्शन करेंगी और भारत को जो है खिताब जिताएंगी। अगर हम पहले मैच की बात करें तो आज भारत का मुकाबला कनाडा से है और यहां पर जो फेवरेट है वो भारत ही है, क्योंकि भारत की जो टीम है ना वो एक संतुलित टीम आप कह सकते हैं और खास करके मुमताज खान आपको देखने को मिलेंगी फॉरवर्ड में, वो कमाल की खिलाड़ी हैं और बहुत प्रतिभाशाली हैं। तो उनके आने से जो है और उनके टीम में रहने से जो भारत की महिला हॉकी टीम है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। प्रीति बहुत अच्छी डिफेंडर हैं, मंजू चौरसिया भी आपको मिडफील्ड में दिखेंगी, ज्योति छत्री हैं और हिना बानो हैं ये आपको मिडफील्ड में दिखेंगी, सुजाता कुजूर और जो वाइस कैप्टन है टीम की ऋतुजा पिसल वो भी मिडफील्ड में दिखेंगी। ये सभी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और लगता है कि अगर मिडफील्ड गेम को अच्छे से चलाता है तो आपके पास अवसर बहुत सारे आएंगे और आप जो हैं कई मौके बना सकते हैं और कनाडा को आज आप पहली शिकस्त दे सकते हैं। तो भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है कि वो कनाडा को आज पराजित करे और जो है पूरे अंक जो है अर्जित करे, क्योंकि देखिए इस पुल में भारत पुल सी में है और इसमें जो है जर्मनी जैसी मजबूत टीम है उससे भी आपका मुकाबला है। इसके अलावा एक राइजिंग टीम के तौर पर बेल्जियम को देखा जाता है, वो भी जो है भारत के ही पुल में है और आपको बता दूं कि हर पुल से 2 टीम ही क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए आज का मैच जो है कनाडा के खिलाफ वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और अगर आप उसमें जीत हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद जर्मनी और बेल्जियम में से अगर किसी एक को भी आप शिकस्त दे लेते हैं तो आपका काम जो है क्वार्टर फाइनल के लिए बन सकता है। इसके अलावा यह भी भारत की कोशिश होनी चाहिए कि कनाडा के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करे ताकि जब गोल डिफरेंस काउंट हो आगे क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए तो उसके लिए जो सफर है वो आसान हो क्वार्टर फाइनल तक का। ये जो टीम है, तुषार खांडेकर टीम के कोच हैं और उन्होंने ये बातें कही भी हैं कि ये जो हमारी टीम है वो बहुत जबरदस्त है और चूंकि एक जूनियर हॉकी में जो महिला खिलाड़ी हैं उनका एक पूल है अच्छे खिलाड़ियों का और उनमें से जो बेस्ट हो सकता था वो टीम चुनने की हमने कोशिश की है और इस टैलेंटेड पूल से हमें उम्मीद है कि ये जूनियर वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये कोच तुषार खांडेकर का कहना है। और देखिए ये इन खिलाड़ियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां अगर आप बेहतर करते हैं तो आप जान लीजिए कि पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम अगर क्वालिफाई करती है, जिसका कि क्वालिफायर रांची में खेला जाना भी है जनवरी में, तो अगर आप अच्छा करते हैं तो ये हो सकता है कि पेरिस ओलंपिक में भी आपको खेलने का अवसर मिल जाए। फिलहाल आपके लिए सूचना ये कि एफआईएच
विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला कनाडा से होना है और हम सभी जो है भारत की महिला हॉकी टीम को, जूनियर महिला हॉकी टीम को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।